किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर नौजवान विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, अग्निपथ पूरे देश में एसकेएम की तरफ से अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए 7 से लेकर 14 तारीख तक सारे देश में इस मामले पर नौजवानों को जागृत करने के लिए कन्वेंशनें की जा रही हैं और उसमें जो फौज की नौकरी है, जो फौज है देश की सुरक्षा के लिए, उसको सबसे उम्दा सन जो है माना जाता है, उसमें जो एक फौजी की ट्रेनिंग है उसको बड़ा लंबा अरसा लगता है और आज के तकनीकी युग में आज जो जंग है वो तकनीकी हो गई है, उसमें और भी लंबा अरसा लगता है। तो सरकार वालों जो ये नीति लाई गई है कि 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, देश की सुरक्षा के पक्ष से, परस्पेक्टिव से, और उन नौजवानों के रोजगार के परस्पेक्टिव से, ये दोनों ही तरफों से योजना जो है वो नकारात्मक है। अगर नौजवान को 4 साल के लिए नौकरी देकर उसको 10 लाख रुपया इस महंगाई के युग में देकर बाहर फेंक दोगे तो वो उसका आने वाला जीवन जिहड़ा है वो क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पहले जो नौजवान सुरक्षा बलों में जाते हैं उनका एक अच्छा फ्यूचर बनता है, उनको रिटायरमेंट 20 साल कम से कम नौकरी करते हैं, वो पेंशन मिलती है, सारे फंड्स मिलते हैं और लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलती है, और ये जो अग्निवीर है इसको 4 साल के बाद एक 10 लाख रुपया देकर बाहर निकाल देना, ये उन नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है, उनकी लाइफ के खेलने के बराबर है। और दूसरा, देश की सुरक्षा के पक्ष से भी ये लोग जो हैं वो जो एक 20 साल लंबा अरसा नौकरी करने वाला नौजवान जो ट्रेनिंग लेता है, जो उसकी संतुष्टि होती है अपनी नौकरी में और उसके उसमें उसके मन में देश के लिए जो बलिदान देने का एक भाव पैदा होता है वो 4 साल वाले में नहीं होगा। सो इसलिए देश की सुरक्षा के पक्ष से और नौजवानों के फ्यूचर के पक्ष से ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सारे देश में एक जो है वो कार्यक्रम चलाया जाएगा, नौजवानों को जो है वो शिक्षित किया जाएगा और एक एजिटेशन बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे सरकार ये योजना जो है वो रद्द करने पर मजबूर हो जाए। सरकार क्या कहना है? नहीं, हम जो ये प्रोटेस्ट है आज हमारा ये सीगा भी जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, उन लोगों को इसमें दस्या जाए कि अग्निपथ क्या योजना है। अग्निपथ क्यों योजना है, जदों मोदी पहली टर्म च आया सी इन्हें 2-3 साल बाद तुहानू याद है यूपी विच आर्मी स्कूल खोले सी सरकारी पद्धर ते भी इत्थे पहला ही शिक्षा देवांगे ते मुड़के उहदे विच लवांगे। सानू उदों ही पता लग गया ही कि आर्मी नूं ये जिहड़ा वा आउण वाले समें च कारपोरेट सैक्टर नूं फड़ाउणा चाहुंदा। आर्मी जिहड़ी आ उहदे विच ये RSS दी विचारधारा नूं ठोकणा चाहुंदा। उहदे थोड़े चिर बाद ही इन्हें इहनूं पूरा ग्रिप च करन लई जिहड़ियां साडियां तिन्नें आर्मीज ने जल थल जिहड़ी वायु सेना वा उहनां नूं सारिआं दे विच्चों जोड़ के
एक मर्जी का जिहड़ा चीफ बनाता, भाव है भी वह चीफ ना ही सरकार गल करके खास करके मोदी वो सारिया इन्हें जिहड़ियां आर्मी जिहड़ियां शाखा ने वो अपने कब्जे कर लिया। जिहड़ा ये मिसाल दिंदे ने भी 13 मुल्कां विच चलदी है सारे संसार विच, उन्हां विच चलदी आ कंपलसरी आ। अमेरिका दे विच ते लोकी जांदे ही नहीं गए फौज विच, वो इस करके उन्होंने 4-5 साल पहला रखिया भी ये जरूरी एरिया तुसीं सेवा करोगे फिर जाओगे। साडे ते लखां लोक तैयार है, अज ये कढ़न मेरा ख्याल भारत विचों 5-6 करोड़ नौजवान जिहड़े आ फौज विच भर्ती होना चाहुंदे आ। किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर नौजवान विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, अग्नि किसान।